हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है ख्याली खाना। तो जो भी खाना होगा आपके ख्यालों में, उसको लाया जाएगा सामने। चलिए पेश करते हैं। गाइस, मैंने ये देखा था, लोग मैगी की अलग अलग रेसिपी बनाने लग जाते थे भाई। स्पाइसी मैगी, चीजी मैगी, भाई इतने सारे फ्लेवर्स। आज मैगी ने भाई दो नए फ्लेवर्स निकाल दिए, वो भी स्पाइसी रेंज में। वो लेके आता हूँ गाइस। ये देखो, ये रे भाई मैगी के नए फ्लेवर, स्पाइसी रेंज वाले आए। ये स्पाइसी बारबेक्यू और ये स्पाइसी चीजी, भाई दोनों नए फ्लेवर है मार्केट में। ख्याली खाना की टीम पहले ले आई इनको। यार इन दोनों की एमआरपी थी 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज ईच। अब इनको ट्राई करेंगे बना के, भाई देखते हैं कैसी बनती है मैगी, वो भी स्पाइसी रेंज में। गाइस ये जो फ्लेवर लग रहा है ना, स्पाइसी चीजी फ्लेवर वाला, ये बढ़िया लग रहा है यार। हम तो ऐसी जब मैगी बनाते थे तो उसमें चीज स्लाइस खुद ही डाल देते थे, बट अब मैगी वालों ने भाई खुद ही दे दी चीज। भाई देखो कैसा सही लग रहा है ना। अगर टॉस करना हो तो सबसे पहले ये वाली जीतेगी, पर बनने के बाद पता लगेगा भाई दोनों में से कौन असली विनर होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों पैकेट्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर टेस्ट मेकर के अलावा और भी कुछ है क्या। यार देखो गाइस, ये दो नए फ्लेवर है भाई, स्पाइसी चीजी और ये स्पाइसी बारबेक्यू। और दोनों में देखो एक चीज कॉमन लग रही है, लाल मिर्च बन रखी है यार। तड़कती भड़कती मैगी ना निकले। अब ओपन करते हैं, इसकी एमआरपी बताऊं, ये 100 रुपीज की थी। कहां गई एमआरपी? ये रही 100 रुपीज की थी, बट हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे मंगाई है इसको। और भाई ये भी 100 रुपीज की चल रही है मार्केट में। तो गाइस अब पैकेट ओपन करता हूँ और देखता हूँ टेस्ट मेकर और केक के अलावा और भी कुछ है इसके अंदर, या सिर्फ वही दोनों है। ओके, ये ओपन हो चुका है। यह टेस्ट मेकर ही निकला है और नूडल के केक है। ठीक है, 4 का पैकेट है ये। दूसरा ओपन करता हूँ, स्पाइसी चीजी वाला। यार टूट गया आते आते ना डिलीवरी में। इसके अंदर भी भाई टेस्ट मेकर और नूडल। ठीक है, तो भाई कुछ अंतर नहीं है, बस टेस्ट मेकर होगा जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब जाते हैं सीधा किचन में और दोनों मैगी बना के लाता हूँ, फिर करते हैं कंपैरिजन और फिर बताऊंगा रिव्यू कैसी रही दोनों मैगीज। गाइस दोनों मैगी तैयार हो गई, ये वाली स्पाइसी बारबेक्यू और ये वाली है स्पाइसी चीजी। दोनों का क्लोजअप दिखाता हूँ फिर रिव्यू करते हैं, आ जाओ। गाइस सबसे पहले देखते हैं स्पाइसी चीजी, जो मेरे को पहले पसंद आ गई थी भाई। देखते यार ये मुझे पता है क्या लग रहा है, एक बारबेक्यू फ्लेवर हम जो पहले ट्राई किए थे इनका वेज बारबेक्यू, ये सेम वही नूडल है। देखो कितनी मोटी मोटी नूडल बनी है और इसका टेस्ट मेकर चेंज कर दिया चीज वाला। यार ये तो सही लग रही है देखने में। और ये वाली है भाई स्पाइसी बारबेक्यू वाली, ये ठीक ठीक लग रही है। या तो मुझे लग रहा है मंचूरियन फ्लेवर ना निकले, जो हमने एक बार बहुत पहले ट्राई करी थी और एक वीडियो भी डाली थी इसकी। पर इनके कलर में आप बताना कमेंट सेक्शन में, आपको ये वाला कलर सही लगा या ये वाला? मुझे ये सही लग रही है यार, बिल्कुल आउटशाइन कर रही है दोनों मैगी में से। तो भाई सब एक काम करते हैं, दोनों के एक एक बाइट ट्राई करते हैं और फिर बताता हूँ भाई कौन जीता, ये स्पाइसी चीजी जीती या फिर ये स्पाइसी बारबेक्यू वाली मैगी जीती। आ जाओ फर्स्ट बाइट ट्राई करते हैं, आ जाओ रेडी। पहले खाएंगे स्पाइसी चीजी वाली, यार थोड़ी महंगी पड़ गई हमको दोनों, 100-100 रुपए की थी। आ जाओ फर्स्ट बाइट ट्राई करते हैं स्पाइसी चीजी मैगी की।
भाई स्पाइसी चीज ही ऐसी लग रही थी जैसे हम घर में मैगी नहीं बनाते जब हम उसमें चीज स्लाइस डाल देते हैं, बिल्कुल वैसी। और थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च का टेस्ट आ रहा है जब वो ये खा जाते हैं। सेकंड बाइट ट्राई करते हैं। बहुत एडिक्टिव लग रही है मैगी तो, स्पाइसी और भाई चीज का फ्लेवर अच्छा है। ये पता कैसा लग रहा है, इनका पास्ता भी आता है ना टोमेटो वाला, वैसा भी टेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। गाइस मुंह में इतना पानी आ रहा है। अब दूसरी बाइट बना ली मैंने स्पाइसी बारबेक्यू वाले फ्लेवर की, अब ये ट्राई करते हैं ये कैसी है। यार इसका मसाला लग रहा है थोड़ा माइल्ड, अगर आपने चीजी वाली मैगी खाई ना इसके सामने ये फीकी लग रही है हल्का। और बट एक डिफरेंस था, जिसका नूडल था ना जो केक था वो मोटा मोटा था, इसकी नूडल सही थी यार, मतलब नॉर्मल शेप की मैगी आती ना वैसी थी। इसमें गरम मसाला का भी टेस्ट आ रहा है। यार कंपैरिजन बताओ ना तो दोनों जीत गई, क्योंकि यार जो मैगी चीज वाली थी वो मेरे को वैसी अच्छी लगती है, हमेशा जब भी मैगी बनाता तो चीज स्लाइस डाल लेता था। ये वाली थोड़ी हल्के मसाले वाली, अगर आपको ज्यादा तीखा मसाला पसंद नहीं है तो आप इसकी तरफ जाना, वरना आप चीजी मैगी भी ट्राई कर सकते हो। पर सबसे पहले चीजी मैगी को ट्राई करना, जो इनकी मैगी आती है ना उसमें समझ लो थोड़ा गरम मसाला वाला डाल के दे दिया, बट ये भी अपनी जगह सही लगी। गाइस कह सकते हैं इस बार जो मैगी ने दोनों फ्लेवर निकाले ना ये बहुत चलेंगे मार्केट में, आप भी जरूर ट्राई करना। कमेंट सेक्शन में आके बताना आपको स्पाइसी बारबेक्यू फ्लेवर सही लगा या फिर ये स्पाइसी चीजी वाला फ्लेवर। यार पहले मैगी बनाने में मेहनत बड़ी करनी पड़ती थी, मतलब भाई चीज स्लाइस डालो फिर वेट करो, ये इन्होंने ऐसी ऑलरेडी चीज मैगी दे दी भाई, सीधा पैकेट डालो जैसे बनाते हो 2-3 मिनट में तैयार हो जाएगी। यार वैसे 2-3 मिनट में मैगी तैयार होती नहीं है, 4-5 मिनट लग जाते हैं। हाँ अगर आपको ट्राई करनी है सबसे पहले ये वाली ट्राई करना जैसे मैंने कहा रैंक 1, और ये होगी हमारी रैंक 2। यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इस बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में आके हमें इनपुट्स देना। तो अगली वीडियो में लाते हैं एक नया ख्याल, अगर आप इस चैनल पे नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स में शेयर कर देना वीडियो को। तब तक के लिए टाटा।